जय श्री कृष्ण। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतिं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की ये विशाल सेना को देखो, जिसकी व्यूहरचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की है। पांडु पुत्रों की ये बड़ी भारी सेना का व्यूहकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़ा है। एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव है, और उसमें कोई घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वो हमें बहुत ही बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में डर भी लगा रहता है कि कुछ कर गुजर के इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। जय श्री कृष्ण।